बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल बड़े भ्रष्टाचारी हैं, दिल्ली में अधिकारियों से बुरा बर्ताव हो रहा है। दिल्ली में नीतीश कुमार का मिशन विपक्षी एकता, नीतीश ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले सीएम नीतीश, कहा अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के साथ, केंद्र का अध्यादेश सरासर गलत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर किया हमला, कहा केंद्र ने दिल्ली के साथ अन्याय किया, गैर बीजेपी सरकारें टारगेट पर हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा एकजुट कर रहे हैं नीतीश, एकजुटता के बाद बीजेपी को हराना मुमकिन। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी मोदी सरकार पर किया हमला, कहा गैर बीजेपी राज्यों को परेशान कर रहे, दिल्ली सरकार को तंग किया जा रहा है। नए संसद भवन उद्घाटन पर सियासत तेज, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्वीट कर साधा निशाना, कहा पीएम को नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा हर बात पर मोदी का विरोध करना कांग्रेस की आदत। जापान से प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए, पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। जापान से निकलने से पहले पीएम मोदी का ट्वीट, कहा वैश्विक नेताओं से कई मुद्दों पर हुई बात, जापान सरकार के स्वागत के लिए जताया आभार। G7 में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने मांगा पीएम का ऑटोग्राफ, सिडनी में पीएम मोदी की जयकार। जापान के अखबारों में छाए पीएम मोदी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की खबर फ्रंट पेज पर छपी, जेलेंस्की के हिरोशिमा दौरे की भी चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी अल्बनीज ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा सिडनी में आपके लिए लोगों में क्रेज, 20,000 क्षमता का हॉल छोटा पड़ा। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में G7 समिट में की ऋषि सुनक से मुलाकात, दोनों नेताओं ने व्यापार, विज्ञान और इनोवेशन सेक्टर पर चर्चा की। जापान में ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। जहां हिरोशिमा में गिराया गया था एटम बम, वहां G7 के नेताओं के साथ पहुंचे पीएम मोदी, एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 2000 के नोट बदलने को लेकर SBI ने अपने सभी ब्रांचों को भेजा नोटिस, 20,000 रुपए तक नोट बदलने पर पहचान पत्र की जरूरत नहीं। अगले साल भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी, पीएम मोदी ने की घोषणा, कहा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अहम मंच है क्वाड। समीर वानखेड़े से सीबीआई की पूछताछ जारी, समीर वानखेड़े पर रिश्वत मांगने का आरोप, सीबीआई कल जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेंगे। पीटीआई नेता मुराद सईद के घर पर पुलिस का एक्शन, सईद ने शेयर की वीडियो, कहा बंदूक की नोक पर कार्रवाई हुई, देश के सम्मान का सौदा नहीं करूंगा। G20 बैठक को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, बोली G20 को बीजेपी ने हाईजैक किया, G20 देश का आयोजन। एक बार फिर उठा G20 के लोगों का मुद्दा, महबूबा मुफ्ती ने कहा G20 लोगों में बीजेपी ने अपना सिंबल लगाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल से G20 की बैठक होगी शुरू, LOC पर BSF ने बढ़ाया पहरा, चीन ने किया बैठक से किनारा। G20 सदस्यों का गुलमर्ग दौरा रद्द, सुरक्षा कारणों से G20 सदस्यों का गुलमर्ग दौरा रद्द किया गया, गुलमर्ग में होने वाले कार्यक्रम पर आतंकी हमले का अंदेशा। श्रीनगर में बैठक स्थल के आसपास 2 दिनों के लिए नो गो जोन बनाया गया, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी, 22 से 24 मई तक होगी बैठक। G20 बैठक को लेकर मार्कोस कमांडो के बाद डल लेक में CRPF के वाटर विंग की तैनाती, आतंकी हमलों का इनपुट मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। जयपुर के योजना भवन से मिला 2 करोड़ से ज्यादा कैश और गोल्ड, ACB करेगी पूरे मामले की जांच। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 24 से 28 मई तक बारिश होने की संभावना। यूपी के बागपत में दबंगों ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की, बिजली चोरी की सूचना पर छापा मारने गई थी टीम, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान भिड़े पर्यटक, बीच नदी पर एक दूसरे पर चप्पू से हमला किया। यूपी के प्रयागराज में गाड़ी में टक्कर लगने पर किन्नरों ने किया हंगामा, ऑटो चालक को किन्नरों ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल। बिहार के छपरा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स की मौत, गम में डूबा परिवार। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के बाहर एक व्यक्ति ने प्रवासी टूरिस्ट को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। हरियाणा के कैथल में कार सवार से मारपीट और लूट, कार के शीशे तोड़कर 23,000 रुपए और सोने की चेन लेकर फरार हुए बदमाश, मोहना के पेट्रोल पंप पर 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के कानपुर में दबंगों ने युवती के साथ की मारपीट, टैंकर से पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद।
बिहार के बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, चार लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदारों से की मारपीट, स्थानीय लोगों के पथराव के बाद भागे। यूपी के जौनपुर में महिला ने एक व्यक्ति की जमकर की पिटाई, व्यक्ति पर किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, जांच में जुटे पुलिस। मुंबई से सटे भायंदर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, रोड पार कर रहे शख्स को बाइक सवार ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के प्रयागराज में युवती ने कार की बोनट पर बैठकर बनाई रील, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने काटा 15,500 का चालान। यूपी के लखनऊ में युवक ने कार से स्टंट किया, स्टंट का वीडियो वायरल। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा, हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के बरेली में दो पक्षों में जमकर हुआ पथराव, पांच लोग घायल, धर्मशाला खाली कराने को लेकर हुआ विवाद। राजस्थान के जयपुर में लगे हिंदुओं के पलायन के पोस्टर, पलायन के लिए कांग्रेस के स्थानीय पार्षद फरीद कुरैशी को जिम्मेदार बताया, पुलिस ने किया पलायन से इनकार। यूपी के गाजियाबाद में चलते ट्रक में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बिहार के पटना में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में अचानक लगी घर के अंदर भीषण आग, कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में बच्चों के विवाद में बड़े भी हुए शामिल, बहस के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट, दो बच्चे घायल। वैशाली में दिखी दबंगों की दबंगई, घर में घुसकर महिला को पीटा, पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी के मऊ में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और बोलेरो गाड़ी की आमने सामने की टक्कर, करीब 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। मऊ में घूस लेने वाले लेखपाल के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड हुआ, विभागीय जांच के भी आदेश। यूपी के लखनऊ में बदमाशों ने युवक की गला रेतकर हत्या की, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के उदयपुर में झील में मिला एक व्यक्ति का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, सरेआम व्यक्ति को मारी गोली, व्यक्ति का इलाज जारी। मथुरा में मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 10 लाख के फोन बरामद, 9 आरोपी हुए गिरफ्तार। गुहाना के नंदकिशोर हत्याकांड में खुलासा, फैक्ट्री मालिक ने 2 लाख के लिए की हत्या, रोहतक में मर्डर कर सोनीपत में फेंकी लाश, 2 सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद, सदर बाजार में एक बदमाश ने गन पॉइंट पर ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े की लूट, बैग में भरकर सोना और कैश लेकर आरोपी फरार। यूपी के सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 86 लाख रुपए लेकर भागने वाले दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में एमसीआई अफसर की पत्नी की हत्या केस में पुलिस का खुलासा, केयरटेकर ही निकला महिला का हत्यारा। बिहार के फारबिसगंज में बाइक सवार दो बदमाशों ने युवक को मारी गोली, अस्पताल में जारी है इलाज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G7 के सभी नेताओं से की मुलाकात, मीटिंग में रूस पर शिकंजा कसने को लेकर चर्चा। G7 पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, G7 में यूक्रेन वॉर पर भारत और ब्राजील को मनाने पर दिया जोर। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने जेलेंस्की को दिया मदद का आश्वासन, जस्टिन ट्रूडो बोले यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा कनाडा। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मिले जेलेंस्की, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। G7 बैठक के बाद बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा बढ़ रही है यूक्रेन की ताकत। G7 पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, G7 में लिए गए निर्णयों का मकसद रूस और चीन पर नियंत्रण करने की कोशिश। जापान में G7 के नेताओं ने एक साथ खिंचवाई तस्वीर, G7 के सभी नेता मौजूद रहे। जापान के हिरोशिमा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, G7 समिट का कर रहे थे विरोध। सऊदी अरब के दौरे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की, लीग समिट में आमंत्रण के लिए सऊदी अरब का आभार जताया। रूस ने कीव पर ड्रोन से किया हमला, कई रिहायशी इमारतों को पहुंचा नुकसान, बिल्डिंग में लगी आग। कीव में रूसी हमले से इमारतों को पहुंचा नुकसान, मलबे में तब्दील हुई कई इमारतें। यूक्रेन को F-16 विमान देगा अमेरिका, विमान की डिलीवरी से पहले यूक्रेनी पायलटों को दी जाएगी ट्रेनिंग। जो बाइडेन ने यूक्रेनी पायलटों के परीक्षण को दी मंजूरी, F-16 विमान उड़ाने की दी जाएगी ट्रेनिंग। रूसी रक्षा मंत्री ने ज़ापोरिज़िया का किया दौरा, रूसी ठिकानों का किया हवाई दौरा। रूस की सेना ने बखमुत शहर पर कब्जे का दावा किया, यूक्रेन ने किया खारिज। रूस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 500 अमेरिकियों पर लगाया बैन। अमेरिका पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ऑडियो लीक, अमेरिकी सांसद से मांगी मदद, ऑडियो में कहा मेरी जान खतरे में। इमरान खान ने कहा चुनाव नहीं कराना साजिश का हिस्सा, सरकार नहीं चाहती है पीटीआई चुनाव लड़े।
इमरान खान के भाषण के दौरान अचानक पावर कट, संबोधन के दौरान भड़के इमरान खान, गाली का इस्तेमाल किया। मेक्सिको में कार रेसिंग शो के दौरान फायरिंग, गोलीबारी में 10 लोगों की मौत। शूटआउट वाली जगह बढ़ाई गई सुरक्षा, हेलीकॉप्टर से रखी जा रही नजर। कांगो में सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। कांगो में सरकार के खिलाफ जारी है जनता का संघर्ष, सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल, सेना के बीच प्रदर्शन करते दिखे लोग। उरुग्वे में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, 50 साल पहले तराशाही का शिकार हुए लोगों की याद में निकाला गया मार्च। क्यूबा में पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन की भारी कमी, कई गैस स्टेशन बंद पड़े। मेक्सिको में पॉपो के ट्विटल ज्वालामुखी सक्रिय हुआ, 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक बंद रहा एयरपोर्ट। स्पेन के जारागोसा में F-18 लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट सुरक्षित निकला। आज IPL में होंगे 2 मुकाबले, पहला मैच मुंबई और हैदराबाद के बीच दोपहर 3:30 बजे से। IPL का दूसरा हाई वोल्टेज मुकाबला RCB और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा, शाम 7:30 बजे मैच। IPL में प्लेऑफ की 3 टीमें हुई तय, चौथे स्थान के लिए बेंगलोर और मुंबई में कड़ी टक्कर। रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत, कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 रन से हराया, निकोलस पूरन बने मैन ऑफ द मैच। दिल्ली के खिलाफ बड़े अंतर से जीती चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स को 77 रन से हराया, ऋतुराज गायकवाड़ को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। WTC फाइनल से पहले रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया पर भारी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। IPL 2023 के फाइनल से पहले 27 मई को होगी BCCI की मीटिंग, विश्व कप वेन्यू के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भारतीय महिला हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मुकाबले में मिली हार, ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से हराया, सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से बढ़त बनाई। लगातार तीसरी बार श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष चुने गए शम्मी सिल्वा, श्रीलंका क्रिकेट की इलेक्शन कमेटी ने फैसला लिया। फिल्म एक ही बंदा काफी है का एक और ट्रेलर आउट, फिल्म 23 मई को रिलीज होगी। फिल्म सत्यप्रेम की कथा का पोस्टर हुआ रिलीज, फिल्म में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी। फिल्म आदि पुरुष का जय श्री राम गाना रिलीज, अजय अतुल की जोड़ी ने दिया है संगीत। वॉर 2 में नजर आ सकते हैं जूनियर NTR, ऋतिक रोशन ने NTR को बर्थडे विश करते हुए हिंट दिया, कहा युद्ध भूमि पर रहेगा इंतजार। Z News.